हेलो डियर वंस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर सेल्फ, योर स्टडीज, योर फैमिली। आपने परिवार के साथ बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसे मेरी आशा है, मेरा मानना है और मुझे अंदाज़ा है ये सही ही होगा। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को हम पढ़ेंगे, द साम ऑफ लाइफ, जीवन का गीत, जीवन का संगीत। जीवन वो गान है जिसे गाना हर एक को आता नहीं है, और यही इस पोएम में द पोएट H.W. Longfellow हैज ट्राइड टू डिस्क्राइब फॉर ऑल ऑफ अस। बड़ी खूबसूरत बात कही है उन्होंने पोएम में। कुछ स्टैंजाज हैं, वो हम ऐसे समझें कि पोएट ये कहना चाहता है कि जीवन वास्तविक है, ये झूठ नहीं है, छलावा नहीं है, कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, फसाना नहीं है, हकीकत है। और वॉट एवर वी आर डूइंग हियर, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सबका हिसाब रखना होता है, हमें उसको पे करना होता है एक दिन, और रीपे भी करना होता है। कई बार हमें लगता है कि ज़िंदगी है और उसके बाद मौत है, कि आज हम आए हैं कल जाना है। लोग अक्सर कहते थे 4 दिन की ज़िंदगी है, बट ये सिर्फ 4 दिन बिताने के लिए नहीं है कि हम कैलेंडर में दिन काट रहे हैं, आज पहला हो गया, दूसरा हो गया। बिफोर डेथ देर इज़ अ वेरी लॉन्ग लाइफ। हाउ लॉन्ग इट कुड बी वी हैव नो आइडिया, दो कोई हमें आइडिया नहीं है हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी होगी। लेकिन वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, मैंने कहीं सुना है कि ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। लाइफ शुड नॉट बी लॉन्ग, इट शुड बी ब्रॉड। जीवन की ऊंचाइयां के साथ साथ उसका विस्तार भी बहुत ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में सिर्फ मरना, जैसे वो इसमें लाइन कही है, 10 thou art और 10 returnest, कि हम धूल से पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। तो ये शरीर तो मिलेगा लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी, और ना ही हमारे कार्य मिलेंगे, हमारे कर्म मिलेंगे, हमारे काम मिलेंगे। तो मौत से पहले की जो ज़िंदगी है उसे अच्छे अच्छे कामों से भरना है, और ये खाली तस्वीर की तरह ज़िंदगी है जिसे हमें रंगीन बनाना है, या केवल कैनवस की तरह ज़िंदगी है जिसमें हमें तरह तरह के चित्र बनाना है। एंड वी हैव टू ड्रॉ सम ग्रेट पिक्चर्स एज वेल एज वी मस्ट पेंट देम ऑल विद लवली कलर्स ऑफ आवर वर्क्स एंड आवर कलरफुल एक्टिविटीज़। उन रंगीन गतिविधियों से जीवन को सुंदर बनाना है, यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। और हम अगर मैदान जंग में जाते हैं, चूँकि ज़िंदगी एक जंग भी है, एक लड़ाई भी है, तो हमें वहाँ सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ना है और ना ही मरने के लिए लड़ना है कि गए साहब मर गए, नहीं। बिफोर डेथ वी नीड टू लिव, बिफोर टू डिफीट, बिफोर टू विन द बैटल वी नीड टू फाइट एट आवर बेस्ट। हमें अपनी सबसे बेहतरीन लड़ाई लड़नी है। जैसे वो कहते नहीं है, एक वो डायलॉग आपने और सुना होगा कि 70 मिनट का जो आपको खेलने के लिए मिले हैं ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी ही ज़िंदगी जो आपको मिली है, ये कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये बड़ी लंबी भी हो सकती है, मुख्तसर भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन इस ज़िंदगी को जीना कैसे है ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, और ना ही इस ज़िंदगी को जीने के तरीके और फलसफे को आपसे कोई छीन सकता है। इट इज़ अप टू अस वेदर वी लिव आवर लाइफ और नॉट। हम ज़िंदगी कैसे जीते हैं, तो लड़ाई में, मैदान जंग में हारने से पहले या मरने से पहले हमें हीरो बन के दिखाना है, वीर गति को प्राप्त होना है, सिर्फ बलिदान नहीं देना है, कुछ करके दिखाना है। और किसी भी कॉम्पिटिशन में लाइफ के हमें पार्टिसिपेट तो करना है, बट अपना बेस्ट देते हुए। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ सक्सेसफुल हों, हम जीतें हारें, बट ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा जीना है, बेहतर से बेहतर जीना है। सिर्फ ज़िंदगी ख़त्म करने का हमें इंतजार नहीं करना है, उस ज़िंदगी को सुनहरा बनाना है, खूबसूरत बनाना है। ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है। बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, मुझे ऐसे अंदाज़ा है, आशा है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और अब तक आप सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय। टेक केयर अबाउट योरसेल्फ।